तो वेलकम बैक गाइस, आज है डे 7 और आज मैं अपलोड करूँगा वीडियो, आज की नहीं कल की, जो मैं कल गया था प्रथम भैया के साथ पूरी वीडियो वगैरह बनाने। तो क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले हुआ था ड्रैग कुशाक का और पोलो का। कुशाक थी हमारी 1000 cc, पोलो थी हमारी 1500 cc। पोलो थी डीजल हाईलाइन मॉडल 2018, कुशाक हमारी 2022 पेट्रोल मॉडल है, TSI इंजन। तो मतलब पावर वाइज पोलो ज़्यादा हाई थी एंड वेट भी पोलो का बहुत ज़्यादा था, 1570 kg का वेट था। तो फिर जो पहली हुई थी रेस हमारी पोलो और कुशाक की, तो ऐसा था कि इनिशियल में पोलो आगे थी, बट जैसी तीसरा गियर लग रहा था तो कुशाक आगे निकल रही थी। तो लाइक मिड में कुशाक आगे निकल गई थी सारी रेसेस में। बाकी ड्रैग में इसमें आपको नहीं दिखाऊंगा, ये सारा बिहाइंड द सीन्स होने वाला है एंड ड्रैग में जो प्रथम भी वीडियो अपलोड करेंगे मैं उस वीडियो का रिव्यू करूंगा, तो उसमें देखेगा। बाकी ये वाली वीडियो आप देखना, इसमें सारे बिहाइंड द सीन्स और मैंने उस पोलो का रिव्यू भी किया छोटा सा वॉक अराउंड, तो वो भी आप देखना। तो आओ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज डे 6 है हमारे चैलेंज का एंड मैंने आपको बताया था आज प्रथम शौकीन भैया से मिलने जाना है, तो बस उन्हीं के पास जाएंगे। और कोई आइडिया नहीं है आज क्या होने वाला है, लाइक वहाँ पे ड्रैग होगी, वहाँ पे रिव्यू होगा, क्या होगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। बस मेरी अभी जैसे उनसे बात हुई थी तो वही मेरे को लाइक 1.5 आवर लगेगा वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ पर चल के मिलते हैं और देखते रहना गाइस, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस रास्ते में हम बस 3-4 मिनट्स दिखा रहे हैं, फिर अभी फ़ोन आया था भैया का कि कहाँ पहुँच गए, तो मैंने वही बोला उन्हीं कि बस 3-4 मिनट दिखा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके मैं आपको मिलाता हूँ उनसे और उनके साथ वीडियो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, लाइक रिव्यू करते हैं ड्रैग रेस होती है क्या होती है, बिकॉज सबको पता ही है उनकी क्रेटा का 1500 cc है वो टर्बो। तो आओ देखते। तो गाइस पहुँच चुके हम, ये प्रथम भैया इस कार में पोलो में, बाकी अभी मैं उतरता हूँ और उनसे मिलता हूँ। ये रहे हमारे साथ प्रथम भैया। तो गाइस सबसे पहले ना ड्रैग होने साला हो रहा है, लाइक सबसे पहले ड्रैग होएगा, और लाइक ये पोलो है डीजल वो भी हाई लाइन, तो सबको पता ही है रिजल्ट्स क्या आने हैं। मेरे पास कुछ आक है वो भी पेट्रोल, तो आओ देखते हैं क्या सिस्टम है। तो गाइस हम आ गए हैं और ये रही मेरी कुशाक, ये भैया की पोलो डीजल हाईलाइन, प्रथम भी हमारे साथ है, ये उनके फ्रेंड भी हमारे साथ है। तो ड्रैग होएगी, वैसे तो आप सबको रिजल्ट पता है मैं प्रथम भैया के अगेंस्ट हूँ, तो फिर आओ देखते स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पोलो में 89 bhp, मेरे वाली की 114 bhp, उसमें 230 Nm का टॉर्क है, मेरा टॉर्क कम है, 178 Nm का टॉर्क है, और वो डीजल इंजन है हाईलाइन, ये आपको पता है कौन सा मॉडल है। पहले तो 1.0 लीटर टर्बो इंजन है, पेट्रोल इंजन है, थ्री सिलेंडर इन लाइन है, और फिर अपनी ये 114 की BHP है इसमें, 114 BHP है, और 178 Nm का टॉर्क है, 178 Nm टॉर्क है, और मैनुअल है। हाँ जी मैनुअल है, मैनुअल है, और भाई ने इसमें अलॉय भी डलवा रखे हैं भाई बाहर से, क्योंकि ये बेस मॉडल है, बेस के ऊपर वाला, बेस के ऊपर वाला। हाँ। तो आपने इसमें काफी मॉडिफिकेशन, हाँ मैंने काफी करवाया, तो इसकी आपको भाई अलग से वीडियो मिल जाएगी कुशाक की, कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें हो रखी है, बेस से ऊपर वाला मॉडल भाई ने ले रखा है, तो इस बारे में तो बाद में बात करते हैं, दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो एक बार दिखा देता हूँ मैनुअल है भाई, वैसे अगर ऑटोमेटिक लेते हैं कुशाक में तो 200 Nm आता है 1 लीटर में,
और भाई ये पोलो है ना, इतनी मजबूत गाड़ी है, इसके जाम हुए पड़े हैं, सिर्फ 3-4 साल में जाम हुए हैं, बहुत भारी है भाई ये वाली। तो क्या लग रहा है अरे भाई? मैं तो मतलब आपके अगेंस्ट तो मुझे पता है, और पावर तो का भी ड्राइवर चेंज बाकी। हाँ बाकी गाड़ी के हिसाब से क्या लग रहा है? कार तो लाइक नो डाउट पोलो बहुत पोलो मतलब आपको पता है बहुत अच्छी कार है। 4 सिलेंडर है भाई ये, 3 सिलेंडर और डीजल इंजन है, 1500 cc है, 1000 cc है, ये तो है। तो लाइक पावर में इतना फर्क है भाई। देख अगर पेट्रोल होती ना 1500 cc तो ये आसपास भी नहीं होती, पर अभी मेरे को डाउट है। बहुत अच्छा टफ कंपटीशन होने वाला है, शायद फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है, तो इसी बात पे लाइक कर देना भाई, क्योंकि अभी तक किसी ने करी नहीं है ट्रैक, पहली बार हम कर रहे हैं। तो चलो भाई ट्रैक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पोलो को पहले मैं चलाऊंगा, मेरे साथ ये बंदा बैठेगा और भाई रहेंगे अकेले। हाँ जी ठीक है भाई, बाकी ट्रैक्शन ट्रैक्शन का बटन आता है? हाँ हाँ हाँ, ट्रैक्शन ऑफ कर लेना भाई अपना। तो गाइस ये जो भी क्लिप है इसमें प्रथम शौकीन भैया और मैं साथ बैठे हुए हैं कुशाक में, और उनकी पोलो में उनके चेतन भैया अकेले है। लाइक उनको एडवांटेज थी और हम दोनों साथ थे, हमारा एसी ऑफ था, उनका हमारा एसी ऑन था, उनका एसी ऑफ था, तो इसमें भी लाइक हम जीत गए थे। तो आप ये क्लिप देखना, एक ये क्लिप छोटी सी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस मेरा और प्रथम भैया का ड्रैग हो चुके हैं 3-4 राउंड्स, और वो भैया है चिराग भैया, वो अपनी चेतन भैया सॉरी, तो वो अपनी पोलो में है और लाइक उनके पास एडवांटेज है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि एसी ऑन रखे, एक ये ड्रैग करेंगे अब। ठीक है तो भाई कुशाक में आ गया हूँ, ट्रैक्शन कर लिया है मैंने, ऑफ एसी ऑफ रखने वाला हूँ, मैंने आपको बताया ही था। अरे भाई ने बेल्ट लगा ली, मैंने भी लगा ली, दो लोग हैं। तेरे को एसी ऑन रखना है, हम एसी ऑफ रखेंगे क्योंकि हम दो लोग हैं, और चेतन चला रहा है भाई पोलो अकेला। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है भाई। शीशा बिल्कुल ऊपर रखना, 3 ऑन करूंगा तो 3 ऑन पे निकलेंगे भाई, 1 2 3। रिवर्स लगा रहे, रिवर्स लग गया, रिवर्स। ये भी भाई बहुत बार होता है, करो करो करो, शुरू कर रहे हैं, 1 2 3। चल 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 चल, साथ में ही है भाई, चेतन से नहीं निकली, अरे वो अटका दी उसने, तो पीछे ही छोड़ दी भाई। 3 सिलेंडर यार इसमें फील नहीं हो रहा, स्लाविया में फील हो रहा था, सच बताऊं तो टाइगून में भी। हाँ हाँ हाँ, मैंने इसको लेने से पहले कम से कम 20 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली है भाई, ये तो 3 सिलेंडर। बाकी मैं मतलब स्कॉडा फैन हूँ, क्योंकि मेरी पिछली भी 2-3 गाड़ियाँ स्कॉडा थी, तो इसलिए मैंने आंखें बंद करके फिर मैंने कुशाक उठा ली। बाद में फील होने लगता है कि 3 सिलेंडर है, तो एंड अच्छा नहीं है गाड़ी का, वही पोलो का एंड बहुत अच्छा है, तो वो बाद में आने लगती है, तो ये कर दीजिए आपके हिसाब से ठीक है, बिल्कुल आपके हिसाब से ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो भाई यही वीडियो थी, स्कोडा वोक्सवैगन एक ही चीज़ है, तो जो जर्मन कार लवर्स है भाई ज़रूर लाइक कमेंट करना, स्कोडा फैन बॉयज़ भी और वोक्सवैगन फैन बॉयज़ भी, और पोलो के तो होंगे ही होंगे भाई, आज भी लोग इतना मिस करते हैं पोलो को कि पोलो चली गई इंडिया से, तो चलो कोई नहीं, अब चली गई तो चली गई, कुछ नया आएगा आगे, मेरे हिसाब से गोल्फ आ जानी चाहिए अब तो। हाँ गोल्फ आ जाएगी तो और अच्छी चीज़ है, पोलो चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो लाइक कर देना भाई वीडियो, कमेंट कर देना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी भाई स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और किसी भी गाड़ी की आपको ड्रैग रेस करनी हो तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो मेल आप ईमेल कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए फिर से एक और बार बोल रहा हूँ धन्यवाद, लव यू गाइस। तो गाइस ड्रैग वगैरह तो सारा ख़त्म हो चुका है, ये प्रथम भैया मेरी कार में, वो उनके फ्रेंड अपनी पोलो में, अब प्रथम भैया एक छोटा सा रिव्यू करेंगे मेरी कुशाक पे, तो आओ एक बार देखते हैं। जो है भाई आरोग्य की बाइक की, आ जाओ भाई। तो गाइस ये रहे प्रथम भैया, और इन्होंने अभी मेरी पूरी कुशाक का रिव्यू करा अच्छा सा, जब भी डलेगा मैं उस वीडियो का भी रिव्यू करूँगा, एंड बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। एक अभी एक फीगो आ रही है तो हम उसकी वेट कर रहे हैं, और प्रथम भैया के साथ मैं उनकी पोलो में बैठ रहा हूँ, तो एक बार इनकी पोलो देखते हैं। ये रही हमारी इनकी पोलो डीजल, ठीक है। तो भैया हमें कह रहे हैं हमें ड्रिफ्ट मार के दिखाएंगे।
तो गाइस ये रही प्रथम भैया के फ्रेंड की कार, और ये उनके फ्रेंड वो प्रथम भैया और वो संदीप भैया मेरी कार देख रहे हैं। मैं इनकी पोलो का रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये TDI मॉडल है, 2018 मॉडल, हाईलाइन और डीजल है। 1500 CC का इंजन है इसमें और 4 सिलेंडर इन लाइन। एक बार अंदर बैठ के देखते हैं इसकी। इसके साथ ट्रैक तो हमारा हो चुका है। सीट कवर्स इन्होंने बाहर से लगवाए हुए हैं और बहुत अच्छे है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। ये मॉडल अब बंद हो चुका है, तो एक बार चला के देखते हैं हमें कार। ये रही हमारी पोलो। ऑब्वियसली वॉक्स वैगन है तो लॉन्च बहुत अच्छा है इसका, पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड 4 साल पुराना मॉडल है, उसके बाद भी लग नहीं रहा कि 4 साल पुराना मॉडल है। बाकी चला लिया, अभी ज़्यादा नहीं चलाते। बेसिक यही बताना था कि ये रही उनकी कार, एंड बंद कर दिया मैंने कार। ये रहा हमारा डैशबोर्ड। इंटीरियर इसका नॉर्मल है, आज सच कुछ करवाया नहीं हुआ, बट लॉन्च बहुत अच्छा है इसका। और अलॉय इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। बूट देख लेते एक बार इसकी। तो बूट काफ़ी स्पेशियस है, हैचबैक के अकॉर्डिंग काफ़ी है। तो TDI हाईलाइन मॉडल है ये, 2018। बंद कर देते हैं इस कार को। तो गाइस सब कुछ हो गया है। ये रही हमारी कुशाक, ये रे भैया, ये उनकी फीगो, ये बोलो। अब हम घर जा रहे हैं बस। तो ओके भैया, ओके ब्रो, ओके भैया, ओके भैया, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस वापसी है हम, एंड बहुत ज़्यादा क्रेजी डे था आज, बहुत ऑसम डे था आज। लाइक 2 से 3 वीडियोस का कंटेंट बन चुका है, तो देखते रहना कंटेंट। और क्या कहते हैं, ड्रैग वगैरह वो सब मैं अपलोड नहीं करूँगा, वो सब सारा प्रथम भैया करेंगे। तो जो जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें लाइक मेरी लिंक होगी, एंड मैं आपको रिव्यू करके बताऊँगा उन वाले वीडियोज़ का। तो चलते हैं। बाकी हाँ, एक ड्रैग मैं अपलोड ज़रूर करूँगा, बाकी देखते रहना। मैं अब घर जा रहा हूँ, बाय बाय। वो गाइस देख ली होगी आपने वीडियो। कंक्लूजन यही था कि लाइक बिकॉज सॉफ्ट लाइन है हमारी 1.0 पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन में, तो लॉन्च इतना परफेक्ट नहीं है। बट आफ्टर लॉन्चिंग लाइक जब ये थर्ड गियर पे आती है या फिर सेकंड थोड़ा क्रॉस करती है, जब टर्बोचार्ज ऑन होता है तो मिड में पकड़ लेती है, एंड मिड में फिर आगे चले जाती है, एंड कोई चांस नहीं होता इसका पीछे रहने का। तो ओवरऑल मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और मैं इतना लाइक वो नहीं था, इतने मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि लाइक मेरी पेट्रोल 1000 CC लाइक मिड में भी पोलो 1500 डीजल इंजन को क्रॉस कर देगी। तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बाकी इसका ड्रैग अपलोड करेंगे प्रथम भी, और एक रिव्यू भी उन्होंने मेरी पूरी कार का किया वो भी अपलोड करेंगे। तो मैं एक बार रिव्यू का भी वो करूँगा, इनके रिव्यू का भी मैं रिव्यू करूँगा, एंड इनके ड्रैग रेस का भी मैं रिव्यू करूँगा वीडियो, एंड वो बाद में अपलोड करूँगा। एंड एक ड्रैग मैं 1-2 दिन बाद डालूँगा जो पोलो और फीगो का हुआ था, तो आप प्लीज़ देखते रहना। एंड ये वीडियो अब 1 दिन लेट अपलोड हो रही है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।